इनके निकलने के बाद में हमने डॉग स्क्वाड को यूज़ किया, साथ में हमने सीसीटीवी कैमरास का सहारा लिया, और जब हमने ट्रेस किया तो पता लगा पीछे के रास्ते से होते हुए वो लोग निकले हैं एक रास्ते में, और जो रास्ता फिर से नॉन बना की तरफ जाता है। साथ में हमने थोड़ा सा घटनास्थल का जब अवलोकन किया तो ये समझ में आया कि थोड़ा पर्सनल टाइप का रंजिश टाइप का घटना लगा ये हमें, क्योंकि उनकी जो मदर थी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, बट बाकी के तीन को बहुत ही विभत्स तरीके से गले के ऊपर ही प्रहार कर करके मारा गया। जब हम लोग थोड़ा और जानकारी लिए तो हमको थोड़ा सा कॉल डिटेल भी आया, बाकी चीज़ें भी आई, तो हमको ये सूचना भी मिली कि इनका जो बड़े भाई का एक साला है वो करतला में किसी चोट के कारण अस्पताल में भर्ती है। जब अस्पताल में हमने अपनी तुरंत टीमें भेजी हमको थोड़ा शक होने पर, तो वहाँ पे जाके डॉक्टर्स हमसे जायजा लिया तो उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट का एक विक्टिम यहाँ आया है, और उसको जब तब तक टाके वाके लग रहे थे तब उन्होंने पूछताछ की तो डॉक्टर ने भी बताया कि थोड़ा एक्सीडेंट का चोट नहीं लग रहा है, किसी और तरह का चोट लग रहा है। फिर हमने उसको कस्टडी में लेके पूछताछ किया और उसको पूरा सर्च किया तो हमको दिखा कि उसकी कई जगह बॉडी में ब्लड के छोटे छोटे निशान हमको मिले, कोई बड़े निशान शायद उन्होंने साफ कर दिए थे, पर कुछ छोटे निशानों को नहीं मिटा पाए थे। उनको लेकर फिर हमने उसको और भी ज़्यादा शक होने पर फिर कस्टडी में लिया, उसके फ़ोन को जब्त किया, फ़ोन को जब्त करके तब तक चार्ज नहीं था, फिर बाद में चार्जिंग पे लेके तब चेक किया तो कुछ मैसेजेस भी हमको मिले, बहुत ही क्रिप्टिक टाइप के छोटे छोटे से मैसेजेस थे, जिससे भी हमको लग रहा था वो सुबह के ही मैसेज थे, तो उससे भी हमको थोड़ा अंदेशा हुआ कि इसमें इनकी हत्या में हिस्सा लिया है। जब पुलिस के कस्टडी में लेकर और कड़ाई से उससे पूछताछ हुई तो फिर उसने माना कि हाँ उसने हत्या की है, और अपने एक साथी जो राम प्रसाद मन्नेवार है हिंगन झरिया का, उसके साथ में मिलके इसने इन दोनों को, इन पूरे परिवार को मारा है। तब हमने पुलिस ने उसके बाद में 9:30 बजे तक ये सारा क्लियर हो गया था, तब तक हम दूसरे आरोपी की तलाश करने लगे जो कि फिर अपने घर से भाग गया था, उसके लिए पूरे जिले में नाकेबंदी की गई, तो लबेद बैरियर पर वो उसका तब तक हुलिया फोटो वोटो लेकर हमने दे दिया था सभी जगह, तो लबेद बैरियर पर दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया। इन दोनों की बिना पर फिर जो हथियार था जो इन्होंने नॉन बिर्रा के तालाब में फेंक दिया था, वो तो दोनों हथियार भी हम लोगों ने रिकवर किए, और कुछ अधजले कपड़े थे और उसके आसपास में जो पत्ते थे जहाँ पे इन्होंने जलाने की कोशिश की थी वहाँ पे बहुत सारा खून फैला हुआ था, उसको भी हम लोगों ने पूरा रिकवर किया और अपना एविडेंस में लिया है। जब थोड़ा और तफ्तीश की तो इनसे पता लगा कि जब मॉर्निंग में इनके बड़े भाई की फैमिली निकली थी तो उन्होंने ही वो मैसेज से सूचित किया था कि हम लोग निकल गए हैं और गेट बाहर से बंद है।